केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 को दी मंजूरी। सहकारी समितियां होंगी और पारदर्शी पूर्वोत्तर के लिए पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी। 6,600 करोड़ रुपए की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को फंड करना है योजना का मकसद। कैबिनेट ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से तेल कंपनियों को हो रहे नुकसान के लिए 22,000 करोड़ के वन टाइम ग्रांट को दी मंजूरी। 11.27 लाख रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस। बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 को भी मंजूरी। दीनदयाल पोर्ट के लिए पीपीपी मोड के अंतर्गत कंटेनर टर्मिनल के विकास को हरी झंडी। दिल्ली में फिर घिरी केजरीवाल सरकार। केंद्रीय सूचना आयुक्त की चिट्ठी से केजरीवाल सरकार पर आरटीआई कानून का पालन न करने का आरोप। बीजेपी ने कहा केजरीवाल सरकार पर बोला बीजेपी ने हमला कहा ये चिट्ठी। केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोलती है। हर विभाग में है भ्रष्टाचार। गुजरात में आज से शुरू हुई बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साणा और द्वारका से यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कहा ये यात्रा पूरे भारत के गर्व को स्थापित करने के लिए। कांग्रेस पर किया वार। कहा कांग्रेस को जो विकास की यात्रा चलानी थी उसे अटकाया भटकाया और लटकाया लेकिन अब वे खुद फंस गए। त्रिपुरा के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी और भारतीय सूचना औद्योगिक संस्थान की आधारशिला रखने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन। अगरतला के चाय बागान में मजदूरों विशेषकर महिलाओं से की बातचीत। कहा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर का अहम योगदान। कल हिमाचल प्रदेश के चंबा और ऊना का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऊना में नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के साथ ही हरौली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे। ट्रिपल IIT ऊना को भी करेंगे राष्ट्र को समर्पित। चंबा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का करेंगे उद्घाटन। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों का हुआ रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन। सर्विसेज रहा पहले स्थान पर, महाराष्ट्र को दूसरा स्थान। पुरुषों में साजन प्रकाश और महिलाओं में हर्षिका रामचंद्रा बनी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। उपराष्ट्रपति ने हार जीत से अलग खेल भावना पर दिया जोर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए हैं जिसके तहत पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी गई। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का वन टाइम ग्रांट दिया गया ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। मोदी सरकार ने गुजरात में दीनदयाल पोर्ट के लिए पीपीपी मोड के अंतर्गत कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी दी। तो साथ ही 11.27 लाख रेल विभाग के कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिए जाने का भी फैसला लिया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बजट में घोषित पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद 6,600 करोड़ रुपए की लागत से पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को फंड करना है। पीएम डिवाइन योजना को भी मंजूरी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। मूल उद्देश्य है वो पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करना, पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविकाओं की गतिविधियों को सक्षम करना और विभिन्न क्षेत्रों में डेवलपमेंट गैप्स को भरने का काम भी करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दुनिया भर में रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने इन कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का वन टाइम ग्रांट दिया है ताकि आम लोगों पर बढ़ती कीमतों का बोझ न पड़े। 300% दाम दुनिया के कई देशों में LPG के बढ़े हैं। जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जून 2020 से लेकर जून 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में दीनदयाल पोर्ट के लिए पीपीपी मोड के अंतर्गत कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी दे दी। साथ ही पीपीपी मोड के तहत ही निर्माण संचालन और हस्तांतरण पर कांडला में कक्ष की खाड़ी में टूना टेकरा से बहुउद्देशीय कार्गो के विकास को भी मंजूरी दे दी गई। गुजरात में दीनदयाल पोर्ट जो कि सालाना लगभग 127 मिलियन टन की क्षमता रखता है, पीपीपी मोड के अंतर्गत बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के मोड पर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बने जो टूना टेकरा में है, और साथ ही साथ मल्टीपर्पज कार्गो का भी वहां पर डेवलपमेंट हो, ये दो निर्णय वहां पर लिए गए। कुल मिलाकर इन दोनों के ऊपर 5,963 करोड़ रुपया खर्च होगा। अन्य फैसलों में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.27 लाख रेल विभाग के कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिए जाने का भी फैसला लिया। रेल विभाग के कर्मचारियों को यह 78 दिन का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपए होगी। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी समितियों संशोधन विधेयक 2022 को भी मंजूरी दे दी। इस पहल का मकसद सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना है, और यह भी सुनिश्चित करना है कि सहकारी समितियों से जुड़े लोग ही चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकें। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी कल चंबा और ऊना जाएंगे, जहां पर वे तमाम विकास योजनाओं की सौगात राज्यों को देंगे तो जनता से संवाद भी करेंगे। अभी दशहरे वाले दिन ही पीएम मोदी कुल्लू पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुल्लू दशहरा में भाग लिया था। पीएम मोदी कल हिमाचल प्रदेश को सबसे बड़े तोहफे के तौर पर रेल परियोजना की सौगात देने वाले हैं। चौथी वंदे भारत ट्रेन कल हिमाचल से शुरू होगी। गुरुवार को हिमाचल के दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंबा और ऊना का दौरा करेंगे और राज्य के लोगों को विकास की कई परियोजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम के हिमाचल दौरे में सबसे बड़ा तोहफा हिमाचल को रेल का मिलने वाला है। देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस हिमाचल के लोगों को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये अंब अंदौरा से नई दिल्ली के लिए चलेगी। ये ट्रेन पहले की तुलना में एक उन्नत संस्करण है और महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। प्रधानमंत्री ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे, जिसे 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। ये पार्क एपीआई आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है और इससे 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही ये क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT ऊना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी आधारशिला 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। वर्तमान में इस संस्थान में 530 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। IIIT ऊना में उसका भी उद्घाटन होगा और साथ साथ में वंदे भारत ट्रेन, जो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान, इसको भी हरी झंडी लाकर रवाना किया जाएगा ऊना से दिल्ली के लिए। चंबा दौरे में प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। ये योजना 3,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें चंबा जिले में 50 करोड़ की लागत से ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी। इसके अलावा पीएम 48 मेगावाट की चंजू पनबिजली परियोजना और 32 मेगावाट की ड्यूथल पनबिजली परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। चंबा एक ऐसा जिला है हिमाचल का जहां हाइड्रो पावर का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और उसी कड़ी में हमारा जो स्टेट की पावर कॉरपोरेशन है वो दो पावर प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन लोग ले कर रही है माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। एक हमारा 48 मेगावाट की परियोजना है और दूसरा द्योथल चांजू है जो लगभग 30 मेगावाट है। इससे जो हमारा हाइड्रो पोटेंशियल है उसका और दोहन होगा और उससे स्टेट को इनकम भी होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। लोग बहुत बेसब्री से प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चंबा में सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हमारी होश में तो ये पहली बार ये मौका हमें मिल रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनको हम सुनेंगे। सब लोग यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो पहली बार हमारे तो हम देख रहे हैं कि कोई प्रधानमंत्री हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, तो ये बहुत ही उत्सव से कम नहीं है हमारे लिए, चंबा वालों के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मानते हैं कि प्रदेश में पीएम के दौरे से
भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश पैदा होगा जो चुनाव में काम आएगा। जब प्रधानमंत्री जी का हिमाचल आना तो हिमाचल के लोगों को लगता है कि हम ऐसे क्षण में जहां प्रधानमंत्री जी को हमारे सहयोग और समर्थन की जरूरत है, हम क्यों ना खड़े उनके साथ। वो खड़ा होना चाहते हैं और खड़े होकर के उन्हें दिखाया है, एक बार नहीं अनेक बार दिखाया है, तो इसलिए अब की बार भी ये होगा। प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और इसका पीएम कई बार जिक्र भी कर चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से राज्य में विकास को और गति मिल सकेगी। शैलेंद्र मिश्र और विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी और भारतीय सूचना औद्योगिक संस्थान की आधारशिला रखने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगरतला के चाय बागान भी पहुंची, जहां उन्होंने चाय बागान के मजदूरों, विशेषकर महिलाओं से बातचीत की। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद त्रिपुरा के पहले दौरे पर राजधानी अगरतला पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आगवानी की। राष्ट्रपति को उनकी पहली त्रिपुरा यात्रा पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी और भारतीय सूचना औद्योगिक संस्थान की आधारशिला रखने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य में कनेक्टिविटी, शिक्षा, न्यायपालिका और विधायिका को मजबूत करने का काम करेंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में त्रिपुरा सहित पूरे पूर्वोत्तर की अहम भूमिका रहने वाली है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। वर्ष 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अगरतला में नागरिक अभिनंदन भी किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक साहा, उनके कई कैबिनेट सहयोगी सहित महापौर दीपक मजुमदार भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसानों और गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर आई हैं। त्रिपुरा के चाय बागान में काम करने वाले भाई बहनों के हित में राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाया गया है। सरकार ने गरीबों को, नीचे तबके के लोगों को आगे उठाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यही तो विकास है, यही तो सरकारों का जो नारा सबके साथ सबके विकास। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगरतला के दुर्बाबाड़ी चाय बागान में पहुंची। यहां उन्होंने चाय बागान के मजदूरों, विशेषकर महिलाओं से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इनमें से अधिकतर चाय बागान के मजदूर राष्ट्रपति के पैतृक स्थान से संबंध रखते हैं। बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति मुर्मू अगरतला रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी कोलकाता गुवाहाटी रेलगाड़ी और मणिपुर के खोंगसांग तक अगरतला जीवरबाम जनशताब्दी एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। राष्ट्रपति आईआईटी गुवाहाटी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगी। अगरतला से कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात के मेहसाणा और द्वारका से यात्रा को रवाना किया। गुजरात में बीजेपी की गौरव यात्रा की शुरुआत हुई मेहसाणा से। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई दिग्गज नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा, ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात के लिए नहीं है, बल्कि ये यात्रा पूरे भारत के गर्व को स्थापित करने के लिए है। 5 स्थानों से ये गौरव यात्रा गुजरात में चलने वाली है। कल हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, वो 2 स्थानों से 3 गौरव यात्राएं प्रारंभ करेंगे। ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है, इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। नड्डा ने कांग्रेस पर भी करारा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस को जो विकास की यात्रा चलानी थी उसे अटकाया, भटकाया और लटकाया, लेकिन अब वे खुद फंस गए हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सालों का? भाई को भाई से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया, जहां पानी चाहिए था वहां पानी नहीं दिया। जो विकास की यात्रा चलानी थी उसमें अटकाया, भटकाया, लटकाया।
अब ये दीगर बात है कि खुद भी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और भटके हुए हैं। जेपी नड्डा ने बाद में दूसरी गुजरात गौरव यात्रा को द्वारका से रवाना किया। उन्होंने वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि वो देश के नाम पर परिवार की सेवा करने और वंशवाद को बढ़ाने में लगे थे, लेकिन मोदी जी ने जनता को सावधान कर दिया। कांग्रेस भी कमजोर होकर के सिकुड़ गई और न ये अब राष्ट्रीय पार्टी रह गई है, न ये भारतीय पार्टी रह गई है, अब ये सिर्फ भाई बहन की पार्टी है, बाकी सब ताली बजाओ थाली बजाओ छुट्टी पाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी है अकेली जो विचारों की पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, ऊपर से लेकर नीचे तक यह विचारों से लैस और विचारों के प्रति समर्पित पार्टी है। गौरव यात्रा गुरुवार को तीन और स्थानों से शुरू होंगी और इसे शुरू करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल की यात्रा अहमदाबाद जिले के जंजरका से अहमदाबाद के सोमनाथ तक जाएगी, जबकि चौथी यात्रा नवसारी जिले के उनई से दक्षिण गुजरात के खेड़ा जिले स्थित फगवेल तक जाएगी। पांचवी यात्रा उनई से अंबाजी तक जाएगी। इन 9 दिनों में 9 केंद्रीय मंत्री इस यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी इस यात्रा के जरिए राज्य की 145 विधानसभाओं तक पहुंचेगी। गौरतलब है कि गुजरात में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस लंबे समय से सूबे की सत्ता से बाहर है। कांग्रेस इस चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो बीजेपी को फिर से सत्ता में आने का भरोसा है। वहीं आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार आरटीआई कानून को सही से लागू नहीं कर रही है, जिसे लेकर केंद्रीय सूचना आयुक्त ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद उपराज्यपाल ने पूरे मामले पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। आरटीआई को सही से लागू नहीं करने को लेकर पूरा मामला राजनीतिक रूप से भी गर्मा गया है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार लगातार विवादों में बनी हुई है। इस बार एक और ताजा विवाद हुआ है कि दिल्ली सरकार सूचना के अधिकार कानून को सही तरीके से लागू नहीं कर रही है। केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय महुरकर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट 2005 के तहत लोगों को संतोषजनक जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके बाद से केजरीवाल सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इस विवाद के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि केजरीवाल सरकार गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जवाबदेही जीरो और अपनी नजरों में हीरो। ये जो पत्र है चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है एक एक मंत्रालय जो दिल्ली सरकार के तत्वाधान में कार्य कर रहा है, जनता जवाब मांगने जाती है और अरविंद केजरीवाल की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दे। जो पूरी देश के अंदर आरटीआई एक्टिविस्ट अपने आप को कहते थे और जो पूरे दिल्ली और देश में और दुनिया के अंदर भारत के अंदर आरटीआई एक्ट लागू हो, आरटीआई एक्ट लागू किया जाए इसकी मांग करते थे, आज उनका चेहरा बदल गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद, दिल्ली में सरकार में आने के बाद, उनकी सरकार दिल्ली में सूचना के अधिकार को अवरुद्ध कर रही है। ये सरकार, खासकर केजरीवाल जो आरटीआई के नाम पर आए थे, ये इसने उस हर सिद्धांत को रौंदा है जिस सिद्धांत के ऊपर ये बढ़ चढ़ के अपना नाम दिया करता था। गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय महुरकर ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि दिल्ली सरकार आरटीआई कानून के तहत मांगी गई जानकारी सही तरीके से नहीं दे रही है। खास तौर से राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, DSSSB और DSIIDC के मामलों में जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली सरकार अहम जानकारी छिपाकर गुमराह करने वाली जानकारी आरटीआई के जवाब में दे रही है और दिल्ली सरकार आरटीआई एक्ट 2005 का पालन नहीं कर रही है। उदय महुरकर ने लिखा है कि दिल्ली सरकार की इस कार्यप्रणाली की वजह से सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना मुश्किल है। जनहित में सरकार के लिए आरटीआई के सवालों का जवाब देना जरूरी है।
भ्रष्टाचार को छिपाने के मकसद से ऐसा किए जाने की आशंका है ताकि गड़बड़ी सामने ना आने पाए। उन्होंने लिखा कि विभागों द्वारा लोगों को गुमराह करने के लिए कई बार गलत जानकारी भी दी जा रही है और कभी कभी जानकारी देने से इनकार ही किया जा रहा है। आयोग के पास इन मामलों की सुनवाई के दौरान दिल्ली के सूचना अधिकारी खुद आने के जगह क्लर्क को भेज देते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने इस प्रकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सीआईसी की तरफ से ऐसी कई आरटीआई भी पत्र के साथ एलजी के पास भेजी गई है जिसमें इस प्रकार की लापरवाही सामने आई है। सीआईसी उदय महूरकर की चिट्ठी के बाद उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नियमों का पालन करते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने इस प्रकार के आरोपों को खारिज किया है। मुझे नहीं लगता कि हम कोई जानकारी छुपाते हैं, हम तो सारी जानकारी बड़ी ट्रांसपेरेंट और बड़ी ईमानदार सरकार चला रहे हैं दिल्ली के अंदर। पार्टी कुछ भी कह रही हो लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की ओर से तथ्यों के आधार पर दी गई जानकारी के बाद आरोपों में घिरी केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, सार्वजनिक सेवाओं में विफलता के सवालों पर फिर से घिरती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल संपन्न हो गए। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद गुजरात के 6 शहरों में इन खेलों का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 15,000 से अधिक एथलीट और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इन खेलों में सर्विसेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। गुजरात के सूरत शहर में रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही 36वें राष्ट्रीय खेल संपन्न हो गए। 29 सितंबर से शुरू हुए इन खेलों में 2 सप्ताह तक एथलीटों के बीच पदक के लिए रोमांचक संघर्ष देखने को मिला। समापन समारोह की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई जिसमें भारतीय संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिली। समापन समारोह में उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी खेल में सिर्फ खेल भावना की ही जीत होती है। हार जीत निश्चित है पर एक चीज की जीत है और वो जीत है स्पोर्ट्समैनशिप की। यहाँ से आप लोगों ने जो मेरे सामने मिनी भारत है संबंध बनाए हैं, लोगों से जानकारी की है, एंड दैट विल टेक ऑल ऑफ यू वेरी फार। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि खिलाड़ी कभी हारता नहीं। राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप सभी प्रतिभागियों में से कुछ खिलाड़ियों को मेडल जीता होगा और कुछ प्रतिस्पर्धा पिछड़ गए होंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपका जनून, आपकी कार्य करने की क्षमता, उसके कारण आने वाले समय में इस आत्मविश्वास के साथ कि अगली बार गेम्स में मैं ही मेडल जीतूंगा, इस लक्ष्य के साथ आपको जाने की आवश्यकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के रूप में गुजरात ने चुनौती को उत्सव में बदल कर दिखा दिया। गुजरात ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनौतियों को अवसर में पलटने की कार्य संस्कृति विकसित की है। राज्य सरकार ने 3 महीने के कम समय में इस पूरे खेल उत्सव का भव्य आयोजन किया और ऐतिहासिक भी बना दिया। इन खेलों में सर्विसेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। सर्विसेज ने 61 स्वर्ण जीतने में सफलता पाई। 39 स्वर्ण के साथ महाराष्ट्र की टीम दूसरे स्थान पर रही। हशिका रामचंद्र को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट और साजन प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी दी गई। अगले राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए जाएंगे। समापन समारोह के अंत में गोवा को राष्ट्रीय खेलों का ध्वज सौंपा गया। सूरत से गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब नजर डालते हैं देश के अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कवि कुमार विश्वास और भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सनी सिंह ने इस साल 1 अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में एक केस दर्ज कराया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस को मोमिनपुर घटना की जांच के लिए SIT गठित करने का निर्देश दिया है। जांच के बाद SIT को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी कोलकाता पुलिस आयुक्त को कदम उठाने का निर्देश दिया है ताकि आगे कोई हिंसा ना हो। CBI ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले के सिलसिले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव को बुधवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। अधिकारियों ने बताया कि संजय यादव से शनिवार को पूछताछ की गई थी और उन्हें फिर से पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए थे। यह कथित घोटाला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के पद पर रहने के दौरान हुआ था। भारतीय नौसेना का एक MiG-29K लड़ाकू विमान गोवा के तट पर नियमित उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आने के कारण समुद्र के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और पायलट की हालत स्थिर बताई जा रही है। नौसेना ने घटना के कारणों की जांच के लिए एक पूछताछ बोर्ड का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में तेलंगाना के मीरपेट से मुंजताजिम के रूप में पहचाने गए एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के दौरान अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सोनीपत फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो 3 दवाइयां WHO द्वारा बताई गई उनके सैंपल सेंट्रल ड्रग लैब को भेजे गए हैं। उनकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, उसके बाद कार्रवाई होगी। अनिल विज ने कहा कि केंद्र और हरियाणा राज्य के दवा विभागों की संयुक्त निरीक्षण के बाद इनमें लगभग 12 खामियां पाई गई हैं। नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने 15 वर्षीय लड़के में एक जटिल गैर सर्जिकल कार्डियक वॉल्व प्रतिस्थापित करके अपनी प्रतिष्ठा में एक और नया कीर्तिमान गढ़ दिया है। कर्नल हरमीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में ऑपरेटिंग टीम ने यह उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।